इसमें ला रन रहीम तो वी वेर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटी जिसमें हमने एक बात की थी इमरजिंग मार्किट की ये एक स्ट्रैटी होती है कि यू विल इन्वेस्ट इन इमरजिंग मार्किट तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एरिया टू वी आर स्पेंड विल भी स्पेंडिंग लिटल मोर टाइम ऑन इट के हाउ द डाइनमिक्स ऑफ इमरजिंग मार्किट्स आर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्राम द मेन डेवेल्प वन दे आर हायर ट्रेडिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग इमरजिंग करंसीज कम्पेयर टू ट्रेडिंग इन इस्टेब्लिशमेंट जो नई हैं या डेवलपिंग है उसमें जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो एक तो इम्ब्रीडियंट यह आया कि इन में कॉस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड इन डॉलर्स तो शायद कॉस्ट कम होगी बट अगर आप कहें जी हमने मलेशन करेंसी में बात करनी है या हमने किसी और स्पेसिफिक ग्रोइंग करेंसी में बात करनी है देन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड भी Hi, notably there is a greater potential for severe illiquidity in emerging markets during extreme market मार्किट इवेंट्स एक मेन चीज़ हमें ये देखने वाली होती है कि जब emerging markets में हम जाते हैं तो एक तो वो वैसे ही थोड़ी इतनी बहुत ज़्यादा liquid नहीं होती और अगर situation थोड़ी सी hard हो जाए markets में events को ऐसे हो जाएँ तो फिर इनकी illiquidity बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपने मलेशियन ringgits में investment कर ली बहुत ज़्यादा और फिर अगर लेट सपोज कोई न्यूज़ आ गई तो वो फिर उस केस में हो सकता है आपकी पूरी पोर्टफोलियो का कोई बायर ही ना हो तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती तो ये एक बड़ा कंसर्न है इमर्जिंग मार्केट्स की जब उसमें आप ट्रेड्स में जाते हैं तो एक तो कॉस्ट हाई एंड देन यू फील द इल लिक्विडिटी फैक्टर इज देयर मेंटेनिंग वाइड एक्सपोजर टू सेवरल इमर्जिंग मार्केट्स डज नॉट रिड्यूस रिस्क इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड हमने जनरली तो बात की भी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करें तो डाइवर्सिफ़िकेशन आ जाएगी अच्छा हो जाएगा लेकिन आपने क्या किया इमर्जिंग मार्केट्स में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड तो किया लेकिन उनकी आपस में कोरिलेशन बड़ी स्ट्रांग थी तो आपने इमर्जिंग मार्केट्स में स्प्रेड कर लिया लेकिन वो आपस में कोरिलेटेड थी तो एक में अगर फॉल आएगा तो दूसरे में भी उसके अकॉर्डिंगली अगर फॉल ही आ गया तो दैन देट नॉट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन तो ये भी चीज़ देखी गई है कि जो करेंसीज़ हैं उनमें इमर्जिंग मार्केट में कोरिलेशन फैक्टर इज़ हायर और आपको ये स्पेसिफिक पहले देखना है व्हेन यू आर टेकिंग द पोजिशन इमरजिंग मार्केट गवर्नमेंट्स आर सीन टू बी मोर लाइकली टू इंटरवीन इन करेंसी मार्केट्स टू मैनिपुलेट देयर करेंसी वैल्यू ये भी एक चीज़ देखी गई है कि जो छोटी करेंसी इकोनॉमीज हैं इमर्जिंग हैं वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो करेंसीज को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करती हैं दे डोंट कीप इट फ्रीली ट्रेड वो उसको सपोर्ट में बाइंग भी कर रही होती हैं सेल भी कर रही होती हैं ताकि एक सर्टन लेवल मेनटेन रहे विच इज़ गुड फॉर मे बी फॉर द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट लेकिन एक अगर हम फ्री मार्केट की बात करें तो उसके स्पिरिट के ये अगेंस्ट है तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि इन सर्टन सरकम बेशक आपके ख्याल से प्राइस बढ़नी चाहिए तो वो गवर्नमेंट उसको आर्टिफिशली रोक भी ले सो दैट कैन बी द केस विच वी नीड टू कीप इन माइंड इन द केस ऑफ इमर्जिंग मार्केट नॉन डिलीवरेबल फॉवर्ड अनलाइक अदर करेंसी फॉरवर्ड एन डी एफ सीज कैश सेटल नॉन डिलीवरेबल का मतलब क्या है कि इसकी एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी ये सिर्फ कैश सेटल होंगे नो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या आपने एक्चुअल करेंसी में बाइंग सेलिंग नहीं करनी सिर्फ जो रेट्स के डिफ्रेंस हैं उन पर कैश सेटलमेंट होगी एट एक्सपायरेशन

डेरीवेटिव जो कि कैश सेटल हो रहे हों लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड वाइडर बिड आस्क स्प्रेड बिड आस्क की बात हमने डिफरेंट जगह पे पहले भी की हुई है लेट्स बिड होता है कि आप किस रेट पे बाय करेंगे एंड आज व्हाट रेट यू विलिंग टू सेल नॉर्मली अगर अच्छी डिवेलप मार्केट है तो इनका गैप बड़ा कम होता है लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में देखा गया कि इनका गैप बहुत ज्यादा हो जाता है स्प्रेड जो है वो बढ़ जाता है और जो अगर कोई क्राइसिस या सिचुएशन वर्स हो जाए तो इवन स्प्रेड गोज मोर तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लेने जाएं तो आपको बहुत डिफरेंट रेट मिलेगा अगर आप सेल करने जाएंगे द रेट विल बी वेरी मच डिफरेंट इट शुड बी क्लोज इनफ बट इन इमर्जिंग मार्केट इट सीम्स टू बी द गैप इज़ हायर बेड आ स्प्रेड कैन बी पर्टिकुलरली वाइड बिटवीन टू ई एम करंसीज यानी दो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में ये आपस में इनका जेड आप्रेड है वो बहुत ज़्यादा हाई देखा जा सकता है बिकॉज दोनों की नेचर इमरजिंग में है तो और गैप्स हैं छोटी मार्केट हैं द रिस्क कैन बी देयर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन हैव नेगेटिव क्यू एंड पैट टेल्स यानी कि उनके जो किसी एक तरफ टल्ट हो सकती हैं जबकि नॉर्मल हम जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो अक्सर बात कर रही हैं कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी लेकिन एक्चुअली मार्केट में इनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती यानी कि सेंट्रल पे नहीं रह रहे होते किसी तरफ पैटेल्स और स्क्यूड रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं इन एमरजिंग मार्केट रोलिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट इन टर्म कैश फ्लो कई दफ़ा आपने अगर आप तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तीन महीने के बाद आपने दोबारा रोल करना है तो उस पर आपको काफ़ी ट्रांजेक्शन कॉस्ट करनी पड़ सकती है जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन इमरजिंग मार्केट्स में वो भी हायर देखी गई है हायर रिस्क वर्जन सेजस्ट मोर फ्रिक्वेंट री बैलेंसिंग अब रिस्क ज़्यादा है तो आपको री बैलेंस अपने पोर्टफोलियो को बार बार करना पड़ता है दैट इज़ ऑल्सो अ हाई कॉस्ट स्ट्रैटजी बट दैट इज़ द रिक्वायरमेंट वी नीड टू डू लोअर रिस्क वर्जन एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजर व्यू सेजेस्ट डिस्क्रिप्शनरी हैजिंग तो फिर अगर आपका मैनेजर का व्यूज इसमें डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर आप देखते हैं कि हमने किस लेवल पर हैज करना है तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटी लोग इसको फॉलो करते हैं पोटेंशियल रिस्क भी काफ़ी इसमें हैं लेकिन इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं बट वी एट अ बिगर पिक्चर के ओवरऑल आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इमर्जिंग मार्केट्स में कितना पोर्शन इन्वेस्ट करना है थैंक यू